अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्राम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रोडक्ट टैग्स के बारे में। तो प्रोडक्ट टैग बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट्स में होते हैं और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है फाउंटेन पार्क ह्यूस्टन। अब इसके सामने मैं लिखूँगा इन URL, आगे कॉलम, उसके बाद प्रोडक्ट डैश टैग। तो बेसिकली ये सारे टैग्स इंडेक्स हैं। अब ये यूज़र के लिए तो बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन जो सर्च इंजन है उनके लिए इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। इस वजह से बेहतर है कि इन्हें रिमूव कर दिया जाए। प्रोडक्ट टैग को नो इंडेक्स करने के लिए हम जाएंगे डैशबोर्ड में और यहाँ पे एक प्लग इंस्टॉल करेंगे योस्ट। योस्ट इंस्टॉल करने के बाद हम जाएंगे योस्ट में, यहाँ से सर्च अपीयरेंस। उसके बाद जाएंगे टेक्सोनोमीज में और यहाँ पे ये है प्रोडक्ट टैग और इसे यहाँ से नो कर देंगे। उसके बाद सेव। तो ये नो इंडेक्स हो गया। आप जो ऑलरेडी इंडेक्स्ड हैं उन्हें डी इंडेक्स करने के लिए हम जाएंगे सर्च कंसोल में और यहाँ से रिमूवल्स, उसके बाद न्यू रिक्वेस्ट और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट डैश टैग, उसके बाद रिमूव ऑल विद दिस प्रीफिक्स, नेक्स्ट, रिमूव। तो अब ये 5-6 घंटे बाद रिमूव हो जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी।